हाय गाइस, मैं शुभांकर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ हौस खास। गाइस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक मीनार है दिल्ली में, एक ऐसा प्रसिद्ध मीनार है जिसके बारे में आप सभी जानते हो, वो है कुतुब मीनार। इसके अलावा एक और मीनार है जिसका नाम है चोर मीनार। तो आज मैं आपको चोर मीनार दिखाने आया हूँ, हौस खास विलेज के अंदर स्थित है। इस चोर मीनार का भी एक इतिहास है जो कि मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि इसे चोर मीनार आखिर क्यों कहा जाता है। आज से करीब 700 साल पहले इस मीनार की दहशत थी। दिल्ली के एक सुल्तान ने चोरों को सज़ा देने के लिए एक अजीबोगरीब तरीका निकाला कि सज़ा ऐसी हो कि कोई और जुर्म करने के बारे में भी ना सोचे। चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी 1696 से 1316 के शासनकाल में बनाई गई थी। पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर सुरंगें हैं, इन सुरंगों के बीच में जो भी दोषी मतलब चोरी करते थे उनकी जो सर को काट के मीनार में मौजूद सुरंगों पर रख दिया जाता था। ये लोगों को डराने के लिए था ताकि वे अपराध से दूर रहें। और मैं आपको दिखा सकूँ आगे की तरफ मीनार, यहाँ पर एक सीढ़ी सा है मगर अभी ये जो पूरा सीढ़ी तारों से बंधा हुआ है जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते थे। कहा जाता है कि इस मीनार में आज भी कुछ खतरनाक आवाज़ें सुनाई देते हैं रात के समय। इस मीनार में 200 से ज़्यादा सुरंग हैं। सज़ा देने का ये तरीका अलाउद्दीन की क्रूरता एवं तानाशाही रवैया के बारे में भी बखूबी बताता है। तो ये पूरा जो है एक छोटा सा एरिया में, और इसके आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे घर हैं। इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल लोगों की हत्या करवाई थी, उन्हीं लोगों के सिर काटकर इस इमारत के सुरंगों पर रखे गए थे। कि मीनार के चारों तरफ डिज़ाइन तो सेम, बहुत ही ज़्यादा शांत इलाके में है पर आपको खुद ही महसूस कर पाएंगे। और यहाँ पर फूलों के और फलों के भी पेड़ लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर हज़ारों में मीनार हैं जिसके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 20 साल तक चला। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कॉमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन्स के साथ।